नमस्कार छात्रों, मैं आपको आज शब्द एवं धातु रूप रिक्त स्थान के रूप में कराने जा रही हूँ, जो कि परीक्षा में इसी प्रकार आएंगे। तो छात्रों, रिक्त स्थान में सबसे पहले मैं आपको इस रिवीजन वर्क में पुनरावृत्ति कार्य में रिक्त स्थान शब्द और धातु रूप का कराने जा रही हूँ। उसमें मैं लता शब्द के रूपों का रिवीजन कराने जा रही हूँ। तो लता डैश लता, हाँ, पहली लाइन है लता लते लताहा, तो बीच में क्या बोला मैंने, लते। तो क्या आंसर राइट होगा बच्चों, लते। क्या होगा, द्विवचन स्त्रीलिंग में लते। अगर पुल्लिंग होता तो औ होता, बालकौ, लेकिन ये स्त्रीलिंग है इसलिए ये लते होगा। अगला है द्वितीय विभक्ति लताम लते, बहुवचन में होता है लताहा। ये लता गलत है क्योंकि ये एक वचन में है और ये लता बहुवचन में है, इसलिए ये वाला सही होगा छात्रों। अब अगला है तृतीय विभक्ति में या, लतया लताभ्याम, लेकिन बहुवचन में तृतीय में भी आता है लता भी। क्या आता है बच्चों, लता भी। अगर पुल्लिंग होता तो बालक ही, ये स्त्रीलिंग होने के कारण इसमें लता भी आएगा। अगला है लताया लतयो, अब यहाँ पंचमी विभक्ति नहीं होगा, ये षष्ठी विभक्ति रूप है क्योंकि बीच में द्विवचन लतयोह दिया। अगर भ्याम होता यहाँ पर तो ये पंचमी विभक्ति वाला लताया होता, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति वाला लताया है, लताया लतयो, तो ये षष्ठी विभक्ति होने के कारण अंत में बहुवचन शब्द आएगा लताना, लताया लतयोह लताना। अब अगला है याम लगा है, यानी सप्तमी विभक्ति स्त्रीलिंग का लतायाम। अब सप्तमी और षष्ठी विभक्ति द्विवचन दोनों सेम होते हैं, इसलिए लतयो राइट होगा। कौन सा राइट होगा, लतयो, इसमें लताना, इसमें भी वाला, इसमें लताना, इसमें ये सही है। आप नीचे मैंने दो धातु रूप भी दिए हैं, पिपति तीता अंति, जैसे मैंने आपको याद करवाया था, तो पिपति पिपता, तो ये पिबता तो मध्यम पुरुष का हो गया, इसलिए ये राइट होगा पिबता। क्या राइट होगा, पिबता। ऐसे ही उत्तम पुरुष में आमी आवा आमा, तो आमी दिया हुआ, लिखामी लिखावा, तो कौन सा राइट होगा बच्चों, लिखामा। क्या राइट होगा, लिखामा। तो इस प्रकार छात्रों आपके पेपर में प्रश्न पत्र में ऐसे शब्द रूप और धातु रूप फिर हिंदी ब्लैंक्स के रूप में पूछे जाएंगे। आपको गूगल फॉर्म में जो सही विकल्प है उसे आपको लगाना है, चिन्हित करना है, है ना, सही विकल्प आपको चुनना है। धन्यवाद। घर में अभ्यास अवश्य करें, सारा कॉपी में ये वर्क उतारें और बार बार अभ्यास करें। धन्यवाद छात्रों।